So, welcome dear students. We will continue with the nomenclature part of hydrocarbons. After completing saturated hydrocarbon, now we will move to unsaturated hydrocarbon. So, IUPAC nomenclature for unsaturated hydrocarbons. Unsaturated means those which carries multiple bonds, that means double or triple bond. Double bond containing hydrocarbons, we call it as alkenes, and triple bond containing hydrocarbon, we call them as alkynes. So, अब करना क्या है? Alkenes और alkynes के IUPAC nomenclature हमें सीखने का है. तो उसके लिए क्या करें हम? रूल नंबर वन क्या बनता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस, वो तो रहने ही वाला है. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, कंटेनिंग ध्यान में रखना है, कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी पॉसिबल है. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स. रूल नंबर टू, नंबर द कार्बन चेन so that multiple bonded carbon atoms get lowest possible number. This is what the second rule. Now third rule says the parent alkene chain becomes, क्या होगा? The alkene में से minus ane करके ENE लगाएंगे जब डबल बॉन्ड रहेगा. वी गेट हियर एल्कीन, पेरेंट चेन, द पेरेंट अल्कीन चेन बिकम्स एल्कीन इफ देयर इज डबल बॉन्ड. द पेरेंट अल्कीन चेन माइनस ENE प्लस YNE, वी कॉल इट एज एल्काइन जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो ये चेंज करना है. तो ये पॉइंट वन और थ्री को अपन जोड़ के बोल सकते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड दैट चेन विल एक्ट एज ए पेरेंट अल्कीन चेन. डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन चेन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन चेन. तो अल्काइन चेन के लिए सेंटेंस कैसा बनेगा? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इन इट एंड दैट विल एक्ट एज एन अल्काइन चेन. करेक्ट है? तो वो अल्काइन चेन बन जाएगा और डबल बॉन्ड वाला क्या रहेगा? अल्कीन चेन बनेगा. सो दिस इज वॉट द फंडामेंटल रूल. We will apply this fundamental rule and try to name unsaturated hydrocarbon. अब एकदम सिंपल सा मॉलिक्यूल, 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल चेन, 1, 2, 3, 4, 5 इज पेंटेन. पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटेन का बन जाएगा, पेंटेन का ए एन ई निकल के क्या हो जाएगा? पेंटीन. करेक्ट है? अब पेंटीन जब ये हो गया तो
तो पेंटीन के लिए आप क्या नोमेनक्लेचर करेंगे? हम पेंटीन तो बन गया, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन पता नहीं पड़ेगी हमको, तो उसके लिए नंबरिंग करना होता है रूल नंबर टू, नंबर द कार्बन चेन सो दैट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो कौन से टर्मिनल से करेंगे? लेफ्ट से। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये ई एन ई डबल बॉन्ड के लिए है, करेक्ट? तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? सेकेंड और थर्ड के बीच में है, करेक्ट? तो इसमें लोएस्ट देखो ना, जैसे लोएस्ट पॉसिबल है तो लोएस्ट ढूंढो ना उसमें। तो लोएस्ट ढूंढा आपने, सेकेंड और थर्ड में लोएस्ट क्या हुआ? टू। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? पेंट टू इन, पेंट टू इन, फाइव कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड के लिए इन, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो लोएस्ट सिलेक्ट किया आपने पेंट टू इन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर वन, करेक्ट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, CH2, CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। वैलेंसी चेक कर लीजिए, दिस कार्बन 1, 2, 3, 4, दिस कार्बन 1, 2, 2, 4, दिस 2, 2, 4। अप्लाई सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, तो कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, बी केयरफुल। अब मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चेन होना चाहिए, वैसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन क्या दिख रही है अपने को? 1, 2, 3, 4, 5, फाइव लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है, लेकिन अगर ये लॉन्गेस्ट लिया तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन दिस कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, सो वी विल रूल आउट दिस। देन व्हाट नेक्स्ट? फाइंड आउट द अदर वे, 1, 2, 3, 4, 5, है पॉसिबल? 5 ये भी है, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी पॉसिबल है। तो हम क्या करें अब इसमें, कि ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर लो, लेफ्ट हैंड से कीजिए या राइट हैंड से, आपको 5 कार्बन एटम मिल रहे हैं अलोंग विथ डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5 आ गया क्या डबल बॉन्ड? यस, वेरी मच, डबल बॉन्ड इज हियर। तो 5 कार्बन पेंट नंबर, सो दैट द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड मस्ट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर डबल बॉन्ड को आना चाहिए, सो दिस वुड बी कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या लिखेंगे अब हम? 1 और 2 के बीच में है तो लोएस्ट, लोएस्ट एस यूजुअल क्या आ जाएगा? लोएस्ट पेंट 1 इन, 1 और 2 के बीच में है तो अपन ने 1 ले लिया लोएस्ट नंबर, पेंट 1 इन। और ये क्या हो गया? सर्कल में क्या लिया? ब्रांच, ब्रांच ऑफ इथाइल, 2 कार्बन एटम है ब्रांच में, इथाइल बॉन्डेड टू विच कार्बन नंबर? कार्बन नंबर 3। तो यहां क्या लिखेंगे? 3 इथाइल पेंट 1 इन। नंबरिंग किया आपने रूल नंबर 2 के हिसाब से, सो दैट डबल बॉन्डेड कार्बन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, 3 इथाइल पेंट 1 इन इज द नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्केन काय में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्काइन में, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन के लिए।
ओके, तो ये अल्काइन वाला हो गया. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड. तो ये दिख रहा है हमको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. फोर तो चलता नहीं, फाइव भी नहीं चलता, क्या चलता है? सिक्स चलता है. हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6, 6 इज हेक्स. ये हो गया ब्रांच एंड सर्कल किया. नंबर द कार्बन एटम, तो यहां से नंबरिंग सो दैट ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर हेक्स. अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? वाई एन ई हेक्साइन, है ना, हेक्साइन. हेक्साइन कौन से है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो हेक्स वन आइन, हेक्स वन आइन. और मिथाइल ग्रुप बेटा कौन से कार्बन पे है? कौन से कार्बन पे है? कार्बन नंबर फोर पे. फोर पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. क्या बोलेंगे? फोर मिथाइल हेक्स वन आइन, है ना. इसको क्या बोलेंगे? आइन. इससे क्या कहेंगे? ईन. हेक्स वन आइन. तो फोर मिथाइल हेक्स वन आइन इज व्हाट द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड. तो हमने डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल देखा, ये भी डबल बॉन्ड वाला था, उसमें ब्रांच आ गई. ये ट्रिपल बॉन्ड वाला था, इसमें भी ब्रांच आ गई. अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों रहेंगे, है ना. डबल और ट्रिपल दोनों रहते हैं तब हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा. जैसे यहां पर CH3CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड. इतना बड़ा काय को करे जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया 1 2 3 4 5 6. वैलेंसी चेक कर लो. ये कार्बन 3+1 4, दिस कार्बन 3+4, दिस कार्बन 2+2, दिस कार्बन 2+2 4, परफेक्टली बैलेंस. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट. अब इसमें अपन ब्रांच भी दे देते हैं. चलो इसमें यहां पर ये ब्रांच एक मिथाइल की दे दी है और थोड़ा सा अच्छा कर दिया उसको कॉम्प्लिकेटेड. अब विच टर्मिनल शेल वी टेक, विच टर्मिनल शेल वी टेक सो दैट वी कैन नंबर दिस. तो क्या होगा अब इसका नोमेनक्लेचर? कहां से? 1 2 3 4 5 6, 6 इज हेक्स. राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा और ब्रांच भी इसके क्लोज में है, है ना, थर्ड कार्बन पे. अगर लेफ्ट से करते हैं तो ये डबल बॉन्ड मिलेगा सेकेंड और थर्ड के बीच में और ब्रांच चली जाएगी फोर्थ कार्बन पे. इसीलिए राइट टू लेफ्ट ये नंबरिंग ज्यादा करेक्ट होगा और हम नंबरिंग करेंगे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन. सही है. अब देखते हैं इसके नोमेनक्लेचर में हेक्स. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ईन बाद में आइन. तो ये 5, 4 और 5 हेक्स, 4 in 1 in 1 in 1 in हेक्स 4 in. देखिए डबल बॉन्ड बिटवीन 4 and 5, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 1 and 2, लोएस्ट नंबर 4 लिया, हेक्स 4 in 1 in. और ये वाला ब्रांच कौन से कार्बन से अटैच है? कार्बन नंबर 3. तो 3 पे कौन सा है ब्रांच? मिथाइल का. सो 3 मिथाइल हेक्स 4 in 1 in इज द IUPAC नोमेनक्लेचर. अब जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा और दोनों सेम पोजीशन पे रहेगा तो डबल बॉन्ड को टॉप प्रायोरिटी देंगे.
जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूँ, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री, हाँ जी, तो वैलेंसी 2 2 4 3 1 4 3 1 4, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां ये ट्रिपल बॉन्ड, इस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लोअर अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखिए सेम पोजीशन है, 2 के साथ 6 मैच हो रहा, 3 के साथ 5 मैच हो रहा, 3 के साथ 5 मैच हो रहा, 6 के साथ 2 मैच हो रहा। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ना, बढ़िया सा एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है हमको कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे हैं। फ्रॉम दिस टर्मिनल डबल बॉन्ड कम्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कम्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एंड डबल बॉन्ड कम्स फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। इफ वी गो फ्रॉम दिस टर्मिनल डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 एंड 3 एंड ट्रिपल बॉन्ड 5 एंड 6। इस वक्त क्या करेंगे, वी विल गिव प्रायोरिटी 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 टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, किसको हमको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को, प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल आना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड को जो पॉसिबल नंबर होगा वो मिलता जाएगा उसको। बट प्रायोरिटी किसको देंगे, हम एडवांटेज किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, यानी नंबरिंग कौन सा सही हो गया, ये वाला नंबरिंग और ये रॉन्ग नंबरिंग हो गया, करेक्ट है। तो क्या होगा फिर, टोटल कार्बन 7 इज हेप्ट, 7 इज हेप्ट, डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 एंड 3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी वो पहले ई आएगा, सो हेप्ट 2 इन 5 आइन, 5 और 6 के बीच में है तो हमने 5 लिया, 2 और 3 के बीच में है तो हमने 2 कंसिडर किया, हेप्ट 2 इन 5 आइन इज द नोमेनक्लेचर। तो क्या पॉइंट हमको याद रखना है बेटा लोग, यहाँ पर बच्चा क्या याद रखेंगे हम, माय डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है और ट्रिपल बॉन्ड को जो भी पॉसिबल नंबर होगा वो नंबरिंग आ जाएगा। सो जब कभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में रहेंगे और दोनों की पोजीशन भी सेम आ रही है तो एडवांटेज किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को एडवांटेज मिलेगा। तो ये हो गया एग्जांपल। अब रूल नंबर 4 देखते हैं हम, ये रूल नंबर 4 को लिखते हैं यहाँ पर, है ना। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, इफ टू और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर अवेलेबल, है ना, एक ही मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप प्रीफिक्स लगाएंगे, है ना, प्रीफिक्स दो रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहा तो टेट्रा,
अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, डाइईन ट्राइईन टेट्राईन, टेट्राईन करेक्ट है। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, डाइईन 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 ट्राईईन टेट्राईन लाइक दैट, करेक्ट है। सो इफ टू और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर अवेलेबल देन प्रीफिक्स डाय ट्राय टेट्रा कैन बी यूज्ड। एंड इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, एंड ए ऑफ अल्केन विल बी मेंटेन, अल्केन का जो ए है वो मेंटेन विल बी मेंटेन will be maintained, A will be maintained, कैसे होता है इसका example देखते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक ही molecule में दो या दो से ज्यादा double bond अगर रहेंगे तो क्या करना होगा। देखिए there are two double bond और ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड टर्मिनल, 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन तो ये हेक्स हो गया। नंबरिंग कौन से टर्मिनल से करेंगे, ये टर्मिनल राइट टू लेफ्ट बिकॉज इट इज हैविंग लोअर पोजीशन, 3 4 5 and 6 तो डबल बॉन्ड इज बिटवीन 1 and 2 तो क्या सिलेक्ट करेंगे, 1। डबल बॉन्ड इज बिटवीन 4 and 5 तो क्या सिलेक्ट करेंगे आप, 4। देर आर टू डबल बॉन्ड तो क्या बनेगा, डाइन, उसकी पोजीशन क्या है, 1 4 हेक्स 1 4 डाइन हेक्सेन 1 4 डाइन, तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आ जाएगी। जब एक से ज्यादा हेक्सा तो ये क्या आ जाएगा, ए बताया ना, ए शुड बी मेंटेन, तो हेक्सा 1 4 डाइन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ए शुड ए ऑफ अल्केन शुड बी मेंटेन, तो हेक्सा 1 4 डाइन जब एक से ज्यादा रहेंगे। तो ये हो गया बेटा एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, ये एग्जांपल आ गया है ना, 1 2 3 4 5 6 हमको तो ट्रिपल बॉन्ड दो बार लेना है, ट्रिपल बॉन्ड दो बार लेना, तो ट्रिपल बॉन्ड दो बार ले लिया, चलिए चेंज कर दिया, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, ये कार्बन टेट्रावेलेंसी, ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी, इसकी भी टेट्रावेलेंसी एंड टेट्रावेलेंसी ऑफ दिस, तो 1 2 3 4 5 5 इज पेंट, तो पेंटा हो जाएगा क्योंकि मोर देन वन है तो ए शुड बी मेंटेन पेंटा, और पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 यहां से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 करेक्ट है, तो क्या लेंगे आप, लोएस्ट 1 और यहां से लोएस्ट 4, यहां से 1 यहां से लोएस्ट 4, पेंटा 1 4 डाइईन, पेंटा 1 4 डाइईन, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड के लिए। क्या करना है, फंडामेंटल रूल तो वैसे ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन वाली चेन अल्कीन हो जाएगी पेरेंट, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन हो जाएगा, देन नंबर द कार्बन चेन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड सो दैट डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम gets the lowest possible number, जैसा इसमें हमने यहां दिया है
द पेरेंट अल्केन चेन को चेंज करना है और हमने नंबरिंग किया। एक रूल और पढ़ा था, प्रायोरिटी किसको देना है हमको, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आएंगे, व्हेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर एट सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ द टर्मिनल, दोनों के लोकेशन सेम रहेंगे तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। ये एक एक्सेप्शन आ गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इफ टू और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन टू डबल बॉन्ड के लिए डाइंग, थ्री के लिए ट्राइंग, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो टू ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाई आइन और थ्री ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्राई आइन, करेक्ट है। तो ये अपना नोमेनक्लेचर हो गया और उसी में क्या मेंटेन करना है, ए ऑफ दिस अल्केन शुड बी मेंटेन्ड, तो उसे आपको मेंटेन करते जाना है, इट हैज टू बी मेंटेन्ड। ए जैसे ये हेक्स लिखते थे, हमने यहां लिखा था हेक्स लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें ये ए को मेंटेन किया। पेंट लिखना था लेकिन दो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे आपने पेंटा 1,4 डाइन कर लिया। ये हो गए रूल आपके लिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। अब कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलीसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।